Okay, so in this lecture we are going to learn about the design of the column bases. Okay, so what is meant by column bases? Column bases are the structural elements. Okay, ये जो column base मतलब क्या होता है? जो भी हमारा particular column है, okay, we have to transfer. हम क्या करते हैं? जो भी हमारा slab होगा, okay, from that particular slab हमारा load कहाँ पे transfer होगा? Beam पे. और from that particular beam the load will be transferred to the column. And then from the particular column the load जो भी होगा आपका वो directly ground में जो है वो transfer हम करने वाले हैं. Okay. So to transfer that particular load to our particular ground we required a base. Okay, यहाँ पे हमको ऐसा base provide करना होता है क्योंकि अगर हम directly column जो है हमारा steel का column हम directly वहाँ पर रख देते हैं, जैसे हम column RCC में करते हैं, okay, we do not just place the RCC column, rather we provide a step. हम क्या करते हैं? Step provide करते हैं, so that जो भी हमारा distribution होगा वो properly uniform distribution होगा और जो आपका पंचिंग शेयर है वो अवॉइड होना. सिमिलरली यहाँ पर भी वही कंडीशन रहती है, डायरेक्टली कॉलम जो उसको डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं कर सकते, डायरेक्टली ग्राउंड पर रेस नहीं कर सकते. इसको हम क्या करना पड़ता है? एक प्रॉपर बेस प्रोवाइड करना पड़ता है सो दैट द लोड जो है हमारा वो फुटिंग में जो है वो ट्रांसफर हो जाए. ओके, सो दैट इज नोन एज योर कॉलम बेसिस. ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कॉलम बेसिस. फर्स्ट इज योर स्लैब बेस, दैट इज द मोस्ट कॉमन यूज. ओके, सिंपल रहता है आपका स्लैब बेस. नेक्स्ट इज योर गसेटेड प्लेट. ओके, जब आपका हेवी लोड होता है इन दैट केस वी प्रोवाइड द गसेटेड प्लेस. अगर आपका नॉर्मल मिनिमम लोड है अगर कॉलम पे, इन दैट केस वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द स्लैब बेस. ओके, सो लेट्स सी अबाउट द स्लैब बेस. As I said, the slab beds are used when the particular जो भी हमारा पर्टिकुलर सेक्शन है उसका इंडिविजुअल कॉलम सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, इन दैट केस वी प्रोवाइड द स्लैब बेस. ओके, सो स्लैब बेस किस तरह से रहता है? देखिए, इन दिस पर्टिकुलर केस स्लैब बेस जो रहता है हमारा इस तरह से रहता है. ओके, दिस इज सपोज योर, ये जो है आपका, ये है आपका आई सेक्शन. ओके, दिस पर्टिकुलर आई सेक्शन जो है आपका, ये पर्टिकुलर अगर कॉलम है. ओके, सो दिस इज योर कॉलम. ओके, ऑफ द आई सेक्शन. ओके, नाउ वी हैव टू प्रूव, हम क्या करते हैं उसको सबसे पहले स्टार्टिंग में आपके यहाँ पर क्या रहेंगे? दिस विल बी योर ग्राउंड. ओके, यहाँ पे आपके जीएल या फिर ग्राउंड लेवल है. उसके टॉप पे हम क्या करते हैं? हियर वी प्रोवाइड अ कॉन्क्रीट पेडेस्टल. ओके, स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं? कॉन्क्रीट का पेडेस्टल प्रोवाइड करते हैं. ओके, तो ऑब्वियसली कॉन्क्रीट पेडेस्टल विल बी, जो आपकी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ होगी वो प्रॉपर रहेंगे, हम डायरेक्टली नहीं प्रोवाइड करते, तो प्रॉपर आपको कॉन्क्रीट का बेस प्रोवाइड करो. उसके ऊपर हम क्या करते थे? यहाँ पे हम क्या करते हैं? बेस प्लेट जो है वो प्रोवाइड करते थे. ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं? बेस प्लेट जो है वो प्रोवाइड करते हैं. ओके, एंड देन द जो भी आपका कॉलम है वो आपका यहाँ पर रेस्ट होता है. ओके, सबसे पहले जो आपका कॉलम है, दैट पर्टिकुलर कॉलम इज गोइंग टू, जो भी हमारा कॉलम है वो हमारा जो स्टील प्लेट है, बेस प्लेट है, उसमें क्या करेगा? लोड जो है ट्रांसफर करेगा. अगेन हम डायरेक्टली अगर कॉलम जो है हम डायरेक्टली कॉन्क्रीट पेडेस्टल पे रख देते हैं तो उसमें अगेन क्या करेगा? वो शेयर, जो आपका पंचिंग शेयर हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा बीच में जो है वो एक क्रशिंग हो जाएगी कॉन्क्रीट के, अगर हम डायरेक्टली सिंपल प्रोवाइड कर देते हैं. क्योंकि इसका जो आपका ऑब्वियसली आई सेक्शन है आपका, इसका जो होगा वट एवर वर लोड इज देयर, दैट लोड इज गोइंग टू बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दिस शॉर्ट एरिया. जो हमारा पर्टिकुलर एरिया ऑफ द कॉलम होगा या फिर एरिया ऑफ द आई सेक्शन होगा, वहाँ पे भी क्या हो जाएगा? वो पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट होगा वट एवर वर लोड इज देयर. ओके, तो ऑब्वियसली हम डायरेक्टली कॉन्क्रीट पे हम प्रोवाइड कर नहीं कर सकते, नहीं तो वहाँ पर ये जो हमारे जो कॉलम है वो उसमें इंसर्ट हो जाएगा, वहाँ पे जो है क्रश हो जाएगा. तो वी हैव टू, जो भी हमारा लोड पी है उसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है टू अ लार्जर एरिया. हमको क्या करना है? उसको थोड़ा और लार्जर एरिया पे क्या करना पड़ेगा? आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. उसके लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं? ये आपकी बेस प्लेट जो है आपकी हम प्रोवाइड करते हैं. ओके, वी प्रोवाइड द बेस प्लेट टू, जो भी हमारा लोड है उसको लार्जर एरिया को ट्रांसफर करने के लिए. ओके, नाउ तो ऑब्वियसली द एरिया विच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर, ये जो हमारा पर्टिकुलर सेक्शन होगा, ये जो हमारी पर्टिकुलर बेस प्लेट होगी, उसका एरिया कितना चाहिए, दैट विल डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट. ओके, यहाँ पे हम जो कॉन्क्रीट यूज करने वाले हैं उसके स्ट्रेंथ पे ऑब्वियसली वो डिपेंडेंट रहेगा. ओके, कितना एरिया पर ट्रांसपोर्ट करना है. ओके, अगर सपोज इसकी जो पर्टिकुलर वट एवर आवर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर स्ट्रेस, इसका जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा पर्टिकुलर कॉन्क्रीट का, ओके, वो न्यूटन पर एमएम होगा, मीन्स एक पर्टिकुलर न्यूटन का लोड होगा, दैट पर्टिकुलर न्यूटन लोड पर एमएम स्क्वायर इट कैन बी टेकन बाय दिस पर्टिकुलर कॉन्क्रीट, फॉर दिस सॉरी दिस पर्टिकुलर कॉन्क्रीट. सो देयरफॉर ये जो हमारा पर्टिकुलर स्लैब प्लेट होगा उसकी जो हमारी लेंथ और विड्थ हम इस प्रकार से डिजाइन करेंगे कि दिस पर्टिकुलर वट एवर लोड इज, ये जो हमारा पी होगा, पी डिवाइडेड बाय जब हम एरिया करेंगे ये पर्टिकुलर एरिया, दैट शुड बी लेस देन द वट एवर आवर कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ इज देयर. जो भी हमारे कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ होगी उसको लेस होना चाहिए. ओके, कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ हम मेजर करेंगे न्यूटन पर एमएम में, देयरफॉर हमको इस तरह, ये इस तरह से डिजाइन करना है कि वट एवर पी बाय ए इज देयर, दैट शुड बी लेस देन आवर कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ. ओके, सिमिलरली कॉन्क्रीट हमको कहाँ रेस्ट करना है? जिस पर्टिकुलर कॉन्क्रीट हम कहाँ पर रेस्ट करने वाले हैं? अभी सॉइल पे रेस्ट करने वाले हैं. इसके नीचे क्या हो जाएगा आपका?
इसके नीचे क्या होंगे आपके, हियर द सॉइल विल बी देयर ओके। देयरफॉर व्हेन वी आर गोइंग टू डिजाइन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, हम इसकी जो लेंथ और विड्थ जो हम कैलकुलेट करेंगे व्हाइल डिजाइनिंग द एरिया रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर, जो हमारा पर्टिकुलर कॉन्क्रीट होगा उसका जब एरिया हम डिजाइन करेंगे तब हम किसकी स्ट्रेंथ कंसिडर करेंगे, सॉइल की स्ट्रेंथ कंसिडर करेंगे, क्योंकि जो भी सॉइल की स्ट्रेंथ अगेन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर जो आपकी स्ट्रेंथ होंगी उसको डिसाइड करके हम जो एरिया है वो हम कॉन्क्रीट का डिजाइन डिफाइन करने वाले। ओके तो रिमेम्बर दैट, जब हम बेस प्लेट डिजाइन करेंगे तब हम स्ट्रेंथ किसके लेंगे, कॉन्क्रीट की लेंगे, क्योंकि कॉन्क्रीट को हमको ट्रांसफर करना है तो कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ से वो ज्यादा नहीं चाहिए। जब हम कॉन्क्रीट का एरिया डिफाइन करेंगे तब हम किसकी स्ट्रेंथ लेंगे, तब हम लेंगे सॉइल की स्ट्रेंथ, सो दैट जो भी आपके सॉइल की जो बेरिंग कैपेसिटी है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर उससे वो ज्यादा ना हो। ओके और इसका मीनिंग भी देख लीजिए। ओके तो दिस इज द जो भी आपका पर्टिकुलर स्लैब बेस रहता है वो इस प्रकार का रहता है। नाउ द डिजाइन ऑफ द स्लैब बेस, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द बेस प्लेट है उसका डिजाइन आपको करना है, एंड नेक्स्ट ये जो आपका कॉन्क्रीट बेस है इसका जो आपको डिजाइन करना है। ओके नाउ ये जो हमारी बेस प्लेट है, दिस बेस प्लेट और ये जो हमारा पर्टिकुलर कॉलम है, ओके दिस पर्टिकुलर कॉलम एंड आवर बेस प्लेट विल बी अटैच बाय द टू मेन्स। ओके डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो डायरेक्ट यहाँ पर हम वेल्डिंग प्रोवाइड कर सकते हैं पूरे कॉन्क्रीट और जो स्लैब होगा इसके कॉन्टेक्ट में जो हम डायरेक्टली वेल्डिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड एंगल हियर। ओके यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से एंगल सेक्शन भी हम जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, दोनों तरफ से एंगल सेक्शन हम प्रोवाइड करेंगे जो भी आपके फ्लैंज होंगी उसको, और जो वेब होगी उसको भी हम क्या करेंगे पर्टिकुलर जो सेक्शन है यहाँ पे भी हम एंगल प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस पर्टिकुलर एंगल इसको हम क्या बोलते हैं, दिस आर द स्प्लिट एंगल। ओके स्प्लिट एंगल हम जिसको बोलते हैं, ओके दिस विल बी नोन एज योर स्प्लिट एंगल। ओके जब हम वेब पे इंस्टॉल करेंगे तो वेब स्प्लिट ओके यहाँ पर जो रहेंगे वो सिंपल स्प्लिट एंगल जो हम प्रोवाइड करने वाले हैं। स्प्लिट एंगल हम पार प्रोवाइड करेंगे ऑन दिस पर्टिकुलर लेंथ, ऑन दिस पर्टिकुलर लेंथ, और ये जो वेब है वहां पे हम स्प्लिट एंगल प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके सो दैट दिस पर्टिकुलर कॉलम विल नॉट मी एंड द प्रॉपर जो डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका जो भी हमारा स्लैब बेस है उसमें जो भी हमारा बेस प्लेट है उसमें प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, या फिर हम क्या प्रोवाइड करेंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ द स्लिट जो भी आपके एंगल है वो हम नहीं प्रोवाइड करेंगे, डायरेक्टली हम क्या करेंगे ये जो आपका आई सेक्शन है इसको डायरेक्टली बेस प्लेट से क्या करेंगे यहाँ पे वेल्डिंग प्रोवाइड करेंगे, सब जो भी आपके कोने हैं वो आप करेंगे वेल्डिंग प्रोवाइड करेंगे। तो दोनों तरफ से आप अटैच कर सकते हैं। ओके तो नेक्स्ट इज योर, ठीक है उसके बाद आपका आता है सर्कल वगैरह में नहीं करना है आपको, एक तो स्क्वायर लेंगे या फिर हम रेक्टेंगुलर लेंगे, और उसके जो आपके प्रोपोर्शन है वो इस तरह से हम कंसिडर करते हैं कि दो इक्वल प्रोपोर्शन होंगे आपके, जो भी हमारी बेस प्लेट है उसके जो भी प्रोपोर्शन सॉरी प्रोजेक्शन होंगे वो क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे। ओके मतलब सपोज जिससे जो आई सेक्शन है ये आई ये जो है आपका सपोज आई सेक्शन है, ओके इसके नीचे क्या करना है आपको बेस प्लेट प्रोवाइड करनी है, तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्शन एंड दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्शन ये जो हम क्या करते हैं इन दोनों का करते हैं ए इक्वल्स टू ये जो आपका बी हम करते हैं। ओके दोनों को हम क्या करते हैं सभी को क्या करते हैं कि सेम रखते हैं, तो व्हाट एवर अवर प्रोजेक्शन आर देयर बियॉन्ड अवर जो भी हमारा कॉन्क्रीट के सॉरी जो भी हमारा कॉलम है बियॉन्ड जो भी प्रोजेक्शन हो वो हम सेम रखते हैं। ओके नाउ एज आई सेड द एरिया ऑफ द बेस प्लेट विल डिफाइन अपॉन द एफसीबी दैट इज द कॉन्क्रीट की बियरिंग स्ट्रेंथ। ओके जो भी हमारा कॉन्क्रीट है उसकी बियरिंग स्ट्रेंथ कितनी होगी उस पर डिफाइन करता है आपका बेस प्लेट का एरिया। जैसे मैंने कहा बेस प्लेट के नीचे क्या है आपका कॉन्क्रीट पेडिस्टल है, तो कॉन्क्रीट पेडिस्टल पे जो स्ट्रेंथ होंगी उससे हम डिफाइन करेंगे जो भी हमारे बेस प्लेट है उसका एरिया। तो पी यू दैट इज योर टोटल लोड ऑफ पर्टिकुलर कॉलम जो होगा डॉट पर्टिकुलर लोड डिवाइडेड बाई एफसीबी, एफसीबी इज कॉन्क्रीट बियरिंग स्ट्रेंथ। तो एज पर आईएस 456 क्या हमारा कॉन्क्रीट के लिए है, आईएस 800 हमारा स्टील के लिए, तो आईएस 456 हमको क्या देता है कि एफसीबी शुड बी इक्वल टू 0.45 एफसीके। तो जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होंगी आपकी एफसीके जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ जो भी हमारा M20 है M25 उसके उसके हिसाब से जो भी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होंगी मल्टीप्लाइड बाय 0.45 दैट विल गिव अस द एफसीबी। तो पीयू डिवाइडेड बाय एफसीके करेंगे सो दैट वी विल गेट द एरिया ऑफ द बेस प्लेट। ओके एरिया ऑफ द बेस प्लेट हमको उससे मिलेगा। नाउ नेक्स्ट इज योर थिकनेस ऑफ द बेस प्लेट, थिकनेस ऑफ द बेस प्लेट जो रहेंगी आपकी दैट विल डिपेंड अपॉन उसका टाइप ऑफ फॉर्मूला आपको आईएस कोड में दिया गया है, आईएस 7.4.3.1 जो क्लॉज है वो आपको डायरेक्टली थिकनेस ऑफ द जो आपकी बेस प्लेट है उसकी डायरेक्ट थिकनेस आपको देता है। ओके नाउ टीएस जो आपकी मिनिमम थिकनेस जो आपकी रहेंगी जो हमारा बेस प्लेट है उसकी थिकनेस क्या रहेंगी 2.5 मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू,
W इज योर यूनिफॉर्म प्रेशर, ओके, ये क्या आपका यूनिफॉर्म प्रेशर है, मतलब जो भी आपका लोड रहेगा, लोड डिवाइडेड बाय एरिया जो रहेगा आपका, दिस विल बी योर W, ओके, प्रेशर मतलब क्या रहता है, लोड डिवाइडेड बाय एरिया, ओके, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में आपका क्या रहता है, प्रेशर रहता है, मतलब एखाने एरिया पे कितना आपका लोड आ रहा है उस पर क्या रहेगा, दैट विल बी योर प्रेशर। सो ई डिवाइडेड बाय ए हम करेंगे, जो भी आपका लोड दिया होगा डिवाइडेड बाय एरिया, तो जो भी आपके प्लेट होंगे दैट विल गिव अस द डब्ल्यू, दैट इज अ यूनिफॉर्म प्रेशर जो आपका रहेगा। नेक्स्ट इज योर ए एंड बी, ओके, दीज आर द प्रोजेक्शन, ओके, ऑब्वियसली अभी मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं, दोनों प्रोजेक्शन जो है सेम रहते हैं, तो हमारा जो प्रोजेक्शन वो डिफरेंट है, इन दैट केस ए जो रहेगा आपका दिस विल बी योर ग्रेटर पोजिशन एंड बी विल बी योर जो आपका मिनिमम प्रेशर रहेगा। अभी ये इसका डायरेक्शन आप नहीं है, कौन सा डायरेक्शन में भी हो, एक्स वाई डायरेक्शन आपको कौन सा भी डायरेक्शन में हो, वाई डायरेक्शन में, दिस इज नॉट डिपेंडेंट, बट ए जो होगा आपका, जो भी आपकी वैल्यू ज्यादा होंगी वो दैट विल बी योर पोजिशन ए, और जिसकी वैल्यू कम होगी दैट विल बी योर पोजिशन बी डिवाइडेड बाई गामा एम जीरो और एफ आई, तो आपका ही, ओके, दिस पर्टिकुलर जो आपका पर्टिकुलर थिकनेस ऑफ द प्लेट आने वाली है, दिस शुड बी ग्रेटर दैन TF, that is the thickness of the flange, okay? जो भी हमारा I section या फिर जो भी हमारा कॉलम है, उस कॉलम का जो भी फ्लैंज होगा, इधर I section है तो obviously कॉलम का जो भी फ्लैंज होगा, फिर free section जो आप प्रोवाइड करेंगे तो उसका जो भी फ्लैंज होगा, इसकी जो भी थिकनेस ऑफ द फ्लैंज होगी उससे ज्यादा हमारी जो है वो प्लेट की क्या चाहिए, थिकनेस उससे ज्यादा चाहिए। तो एक फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टार्टिंग में हमको अगर इकोनॉमिकल करना है तो ये फॉर्मूले हम वैल्यू इनपुट करेंगे, उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, अगर ये वैल्यू सपोज आती है 6 mm, और अगर हमारी थिकनेस ऑफ द फ्लैंज जो थी सपोज वो 6.7 mm थी, ऑब्वियसली ये क्या चाहिए आपकी, ये लोअर है, तो वी आर गोइंग टू कंसीडर द जो भी हमारी थिकनेस ऑफ द प्लेट रहेंगे उनका कंसीडर है 6.6 mm, उसको हम क्या करेंगे 7 mm कर लेंगे, ओके, तो दिस शुड बी ग्रेटर दैट थिकनेस ऑफ द फ्लैंज, रिमेंबर दैट, ये जो फॉर्मूला आपको डायरेक्टली आईएस पर मुझे जो है गिवन है, ओके। नेक्स्ट इज योर एंकर बोल्ट, ओके, नाउ जो हमारा बेस प्लेट है और जो हमारी पर्टिकुलर बेस प्लेट रहती है, ओके, ये कॉलम आ गया आपका, कॉलम के नीचे हम क्या प्रोवाइड करेंगे, इस तरह से बेस प्लेट प्रोवाइड करेंगे, और इसके नीचे हम क्या करेंगे, ये पूरा ये आपका आ गया कॉलम, इसके नीचे क्या करने वाले हम, इस तरह से जो है बेस प्लेट प्रोवाइड करने वाले, और इसके नीचे क्या करने वाले, इस तरह से जो कॉन्क्रीट पेडस्टल है वो प्रोवाइड करने वाले। नाउ दिस पर्टिकुलर कॉन्क्रीट पेडस्टल और ये जो हमारी बेस प्लेट है इनको कनेक्ट करने के लिए हम अभी रेगुलर बोल्ट यूज नहीं करते, यहाँ पे हम क्या करते हैं एंकर बोल्ट यूज करते हैं, ओके, इसकी जो टोटल लेंथ रहती है वो 300, बहुत ही लंबी लेंथ रहती है, सो दैट जो आपका कनेक्शन है वो बॉन्डिंग है वो प्रॉपर हो, एंड हम क्या करते हैं सपोज जो रेक्टेंगुलर अगर गसेट प्लेट है या फिर सर्कुलर, उसके चारों जगह चार ऐसे एंकर बोल्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, इट इज जनरली हम 20 mm डायमीटर के 300 mm लेंथ के 4 नंबर ऑफ द जो एंकर बोल्ट है वो प्रोवाइड करते हैं। अभी आपके बेस प्लेट है इसके डिजाइन में आपके 4 नंबर जो सफिशिएंट हो जाते हैं, अगर आपका लोड बहुत ही ज्यादा है गसेट प्लेट वगैरह तो उसमें नंबर ऑफ एंकर बोल्ट में भी जो वो ज्यादा हो सकती है। अभी एंकर बोल्ट मतलब क्या रहता है, ये जो बोल्ट रहता है आपका इसको यहाँ पर इस तरह से एंकर दिया हुआ रहता है, ओके, इस तरह से एंकर दिया हुआ रहता है, ओके। अभी ये जब आप यहाँ पे अगर पर्टिकुलर कॉलम पे अगर लोड लगता है तो इन दैट केस इट इज गोइंग टू ओवर टर्न, ओके, ये क्या हो जाएगा ओवर टर्न होने की कोशिश करेगा, एंड ड्यू टू दैट ये जो आपकी बसेस जो जो आपकी बेस प्लेट है उसको वो निकल के ऐसा आपका पोस्ट करेगा, जैसा ऐसा ऊपर पोस्ट करेगा, इट विल बी ट्राइंग टू ये जो पर्टिकुलर जो हमारी सेक्शन है या फिर जो भी हमारा चैनल सेक्शन है बेस प्लेट उसको उखाड़ने की कोशिश करेगा, ऑब्वियसली उसको क्या करना है आपको इसको नीचे रखना है, तो ड्यू टू दैट यहाँ पर हम क्या करते हैं इस तरह से एंकर प्रोवाइड करते थे, जो कि हमारा नॉर्मल बोल्ट रहता है आपका पूरी तरह से नॉर्मल बोल्ट रहता है, लेकिन यहाँ पर इस तरह से एंकर प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये जो आपका यहाँ से जो फोर्स लगने वाला है उसको प्रॉपरली रेजिस्ट करता है, देयरफॉर इट इज नोन एज योर एंकर बोल्ट, ओके, एंकर मतलब क्या रहता है यहाँ पर इस तरह से एंकर रहता है, ओके, एंकर सबको पता ही है एंकर मतलब क्या, इस जो आपका एंकर रहता है ओके वही यहाँ पर रहता है इस तरह से एक पर सबको यूज हमको प्रोवाइड करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज योर ठीक है, इसके बाद हम स्टार्टिंग लेंगे फर्स्ट डिजाइन ऑफ द सिंपल बेस, जो भी फ्लैट बेस आपको डिजाइन करना है, तो डिजाइन सैंपल बेस फॉर द आईएसजी आपको पर्टिकुलर जो कॉलम सेक्शन है कॉन्फिगरेशन नंबर है वो दिया गया आईएसजी 350 कॉलम, इसको क्या है फैक्टर लोड या आपका टोटल लोड, अगेन यहाँ पे आपको डायरेक्ट फैक्टर लोड बोला, इसको 1.5 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं आपको, दिस इज नॉट अ वर्किंग लोड, दिस इज फैक्टर लोड, फैक्टर लोड है आपका 1100 kN, जबकि 410 ग्रेड है आपका, अगर स्टील का ग्रेड एफसी 410 है, कॉन्क्रीट एफसी का आपको लगेगा, देयरफॉर ग्रेड ऑफ द कॉन्क्रीट इज देयर एज 125, अगेन कॉन्क्रीट का पेडिस्टल डिजाइन करने के बाद आपको क्या रहेंगे सॉइल की स्ट्रेंथ लगेंगी, तो जो आपकी स्टेप बेरी कैपेसिटी है आपको वो भी दी गई, एसबीसी ऑफ द सॉइल इज गिवन एज 200 kN/m², ओके।
तो वी हैव टू डिजाइन फॉर द फॉलोइंग केसेस ओके। फर्स्ट वी आर गोइंग टू जो हमारा कॉलम बिल्ड जो हमारा पर्टिकुलर कॉलम होगा वो बेस प्लेट से वेल्डेड कनेक्शन होगा और दूसरा जो रहेगा आपका विद द क्रिएट एंगल आप क्या कहेंगे हम वोल्टेड कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड करेंगे ओके। तो नेक्स्ट इज योर तो ठीक है स्टार्ट ही करते हैं। सबसे पहले केस ए के लिए मतलब क्या जो भी वेल्डेड कनेक्शन होगा ओके। तो फॉर दैट साइज ऑफ द बेस प्लेट विल बी इक्वल टू बीम स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट ओके। साइज ऑफ द बेस प्लेट क्या रहेगी आपकी जो आपका लोड होगा लोड डिवाइडेड बाय द जो भी आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ होगी कंक्रीट की जो आपकी स्ट्रेंथ होगी कंक्रीट की स्ट्रेंथ हम किससे प्रोवाइड करते हैं तो एफसीबी प्रोवाइड करते हैं दैट इज द बीम स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट ओके एंड दैट इज गिवन एज 0.45 एफसीके। एफसीके इज योर कैरेक्टरिस्टिक ये क्या डिपेंड करती है आपकी M20 कंक्रीट है या फिर M25 कंक्रीट है तो 20 विल बी योर क्या रहेंगे आपकी एफसीके रहेंगे दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे आपका क्या है M25 कंक्रीट है ऊपर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 25 0 मल्टीप्लाइड बाय 0.45 दैट विल गिव अस द बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट एज अ 11.25 MPa। सिमिलरली एरिया ऑफ द बेस प्लेट अगेन एज अ लोड डिवाइडेड बाय द क्या रहेगा आपका FCB ओके दैट इज द जो भी हमारे कंक्रीट है उसकी बेरिंग स्ट्रेंथ। तो हियर इट विल बी इक्वल टू 110 आपका एरिया है ओ किलोन्यूटन में तो यहाँ पर ये जो आपको मिलेंगे MPa में मिलेंगे आपको मालूम है 20 Nm/mL² रहता है ओके। एफसीके जो आपका रहता है फॉर द M20 अगर सपोज रहा तो इन दैट केस इट विल बी 20 Nm/mL² यहाँ पे आपका 25 Nm/mL² तो ये आपको Nm/mL² में मिला है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे उसको जो आपका लोड है उसको किलो न्यूटन से सॉरी किलो न्यूटन से न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10^3 डिवाइडेड बाय आपकी जो एफसीबी है दैट इज 11.25 दैट विल गिव अस द एरिया ऑफ द बेस प्लेट ओके। सो दिस इज द एरिया विच इज रिक्वायर्ड टू कैरी अ लोड ऑफ द 11,000 kN ओके। ये जो आपका पर्टिकुलर लोड है अगर उसको हमें ट्रांसफर करना है प्रॉपरली इन द कॉन्क्रीट विदाउट एनी काइंड ऑफ द विदाउट एनी काइंड ऑफ पंचिंग फेयर फेलियर या फिर क्रशिंग देन वी हैव टू प्रोवाइड द एरिया ऑफ द पर्टिकुलर बेस प्लेट एज अ 9778.8 mm² ओके। तो नाउ डिपेंडिंग अपॉन दैट अभी हम क्या करेंगे कि ये एरिया तो मुझे अभी मिल गया है नाउ डिपेंडिंग अपॉन दैट डिपेंडिंग अपॉन दैट मैं जो हमारे पर्टिकुलर प्लेट है उसकी जो है साइज जो है वो डिफाइन करूंगा ओके। नाउ द साइज जो है आपकी दैट विल डिपेंड अपॉन द प्रोजेक्शन ओके। जो भी हमारा कॉलम सेक्शन है आई एस एच भी 350 आपका जो है कॉलम सेक्शन है तो ये क्या रहेंगे आपकी दिस विल बी योर जो भी आपकी डेप्थ है वो 350 है और विड्थ ऑफ द फ्लैंज इज ओवर फॉर द आई एस एच भी 350 विड्थ ऑफ द फ्लैंज इज ओवर 250। तो हम अभी क्या करेंगे इसको एजम कर लेंगे कि दोनों साइड जो आपके इक्वल प्रोजेक्शन है ओके। तो देयरफॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्शन हम ले लेंगे ओके। यहाँ पे ये प्रोजेक्शन एज वेल एज ये जो आपका प्रोजेक्शन रहेगा ये जो प्रोजेक्शन रहेगा ओके यहाँ पे जो प्रोजेक्शन रहेगा ओके ये सब प्रोजेक्शन जो है हम कंसिडर कर लेंगे कि द मिनिमम इक्वल प्रोजेक्शन ऑन द ऑल साइड इज इक्वल टू 50 mm ओके। तो 50 mm का अगर हम प्रोजेक्शन कंसिडर कर देते हैं ना कि जैसे सॉरी आपकी जो बेस प्लेट है उसकी साइज क्या हो जाती है दिस 350 प्लस यहाँ पे 50 यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे 50 तो देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू 450 ओके। टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 450 सिमिलरली आपकी 350 है यहाँ पे आपका 50 जो हो जाएगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो देयरफॉर दिस टोटल लेंथ विल बी इक्वल टू 250 प्लस 50 प्लस 50 दैट विल बी इक्वल टू 350। तो एज पर आवर प्रोजेक्शन द बेस प्लेट की थिकनेस आपके बेस प्लेट की साइज क्या आ रही है आपके 450 मल्टीप्लाइड बाय 350 तो इसका एरिया क्या आ जाता है आपका 15,750 mm² और आपका ओरिजिनल रिक्वायर्ड एरिया के साथ आपका 97,778 mm². तो ऑब्वियसली हमारा जो प्रोवाइडेड एरिया है वो इससे ज्यादा है तो वी कैन से दैट ओके हमारा जो हमारा डिजाइन है वो सेफ है ओके। अगर आपका एरिया जो है अगर वो कम आ जाता है इन दैट केस हम क्या करेंगे बेस प्लेट की जो जो प्रोजेक्शन है ये बढ़ा देंगे इसको 50 mm 60 mm 70 80 ऐसे हम क्या करेंगे उसको बढ़ा देंगे जब तक आपका एरिया जो है वो रिक्वायर्ड एरिया से ज्यादा नहीं आता। अभी यहाँ पर ज्यादा आ रहा है तो यू कैन से दैट हर साइड पर हम 50 mm का प्रोजेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं ओके। नेक्स्ट इज योर ठीक है हमने प्रोजेक्शन अभी क्या कर रहा है बेस प्लेट के साइज को मिल गई अभी उसको क्या करना है उसकी थिकनेस फाइंड आउट करनी है ओके। तो थिकनेस फाइंड आउट करने के लिए आपके पास डायरेक्टली फॉर्मूला है TF जो आपकी थिकनेस ऑफ द पर्टिकुलर बेस प्लेट विल बी इक्वल टू 2.5 × W ये क्या रहता है आपका दिस इज द एरिया या फिर प्रेशर है ओके। तो प्रेशर विल बी इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय द एरिया ओके। लोड क्या आपका 1100 × 10^3 N बाय आपका एरिया अभी अभी हमने कैलकुलेट किया एरिया इज 15,7500 So that will give us the W की value as 6.98 mm³ ओके। नाउ A की value आपको पता है ओके A एंड B विल बी योर पोजिशन अभी दोनों जो पोजिशन आपके वो दोनों 50 mm है देयरफॉर यहाँ पर लार्जर और स्मॉलर की कोई मतलब जरूरत नहीं दोनों सेम ही है तो आप A और B को डायरेक्टली A और B विल बी इक्वल टू 50 mm. उसके बाद आपका FY है FY इज योर 250 mm ओके अगेन
इससे ज्यादा होनी चाहिए, तो एज पर ये जो फॉर्मूला इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया तो हम 14 mm के हमने कंसिडर कर दिया। अभी यहाँ पे हम 11.6, आप यहाँ पे 12 mm कंसिडर कर सकते हैं, 16 mm भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके, डिपेंडिंग अपॉन यू जो आपको पर्टिकुलर सीजन है, थोड़ा सा ज्यादा ही प्रोवाइड कर दिए। ओके, बेसिकली आपको यहाँ पर कोई डिजाइन वगैरह की जरूरत नहीं, थोड़ा सा ज्यादा प्रोवाइड किया था आपने, कोई थोड़ा सा जो पर्टिकुलर पानी में बहुत ज्यादा लोड आता है तो वो थोड़ा बेटर रहता है। ओके, तो ठीक है, दिस विल बी योर डिजाइन ऑफ द बेस प्लेट। ठीक है, हमने डिजाइन ऑफ द बेस प्लेट क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया, उसका एरिया जो है, लेंथ, ब्रेड और एज वेल एज थिकनेस जो है, हमने वो डिजाइन कर दी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर, जो भी हमारा सेक्शन है, जो बेस प्लेट है और जो हमारा आई सेक्शन है, उसको हमको कनेक्ट करना है। ओके, तो हियर द कनेक्शन का सबसे पहले केस क्या थे हमारी, इन केस फर्स्ट द कनेक्शन इज अ वेल्डेड कनेक्शन। ओके, तो देयरफॉर अब हम कहां कहां पे वेल्ड करेंगे वो भी देखेंगे, कहां कहां पर वेल्ड कर सकते हैं। तो दिस इज योर वेल्डेड सेक्शन, ये जो है आपका पर्टिकुलर वेल्डेड सेक्शन है। ओके, अभी हम यहाँ पे कहाँ कहाँ वेल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे वेल्ड कर सकते हैं। ओके, इन दिस पर्टिकुलर एरिया एज वेल एज दिस पर्टिकुलर स्लैंट, यहाँ पे वेल्ड हम कर सकते हैं, 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 और यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वेल्ड हम कर सकते हैं, और यहाँ पे भी वेल्ड जो है वो कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट फाइंडिंग आउट द जो हमारे पर्टिकुलर वेल्ड है वो कितनी अवेलेबल है वो हम फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे। ओके, यहाँ पर थिकनेस ऑफ द फ्लैंज, ये जो आपकी थिकनेस ऑफ द फ्लैंज है, ये जो है आपकी दिस इज इक्वल टू 11.6 mm, और थिकनेस ऑफ द वेव, ये जो आपकी थिकनेस ऑफ द वेव है, ये है आपकी 8.3 mm। ओके, तो इसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम प्रोवाइड करेंगे, ओके, तो इन दैट केस इट विल बी इक्वल टू क्या होंगे आपके, आपके डायरेक्टली 250। यहाँ पे भी क्या आएंगे आपके, डायरेक्टली दिस पर्टिकुलर लेंथ ऑफ द वेल विल बी इक्वल टू 250। ओके, नेक्स्ट विल बी इक्वल टू, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपकी, क्लियर कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, दिस विल बी इक्वल टू 250। ये क्या है आपका, ये जो है वो 250 है। ओके, यहाँ पे आपके यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 250। ओके, दिस पर्टिकुलर लेंथ इज गिवन, यहाँ पर आपको डायरेक्टली विड्थ ऑफ द फ्लैंज जो है वो गिवन है, ब्रेथ ऑफ द फ्लैंज या फिर विड्थ ऑफ द फ्लैंज इज 250। तो देयरफॉर दो तरफ आपको 250 है, देयरफॉर 250 हम दो मल्टीप्लाइड बाय 250। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, हम यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे भी हम वेल्ड जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ओके, यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे, सिमिलरली ये जो आपका पर्टिकुलर सेक्शन है यहाँ पे भी हम क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, वेल्ड प्रोवाइड करने वाले हैं। तो दैट पर्टिकुलर विल बी, ये आपका टोटल 250 है, और ये जो आपकी वेव है यहाँ से हम प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो टोटल आपका 250 माइनस, अगर हम थिकनेस ऑफ द वेव जो है दैट इज 8.3 माइनस करते हैं, तो दैट वी विल गेट दिस पर्टिकुलर लेंथ। ओके, ये क्या, ये जो आपकी ये दोनों लेंथ हमको मिल जाएंगे, तो विल बी इक्वल टू, ओके, 250 माइनस थिकनेस ऑफ द वेव, थिकनेस ऑफ द वेव इज 8.3, अगेन ये दोनों साइड है आपके, दोनों साइड है, देयरफॉर मल्टीप्लाइड बाय हम क्या करेंगे, 2 कर देंगे। ओके, नेक्स्ट इज योर, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, नेक्स्ट विल बी योर, जो आपका वेव है वहां पे भी हम क्या करेंगे, वेल्ड प्रोवाइड करेंगे। ओके, ये जो वेव है हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, वेल्ड जो हम वो प्रोवाइड करने वाले हैं। अगेन वेव दोनों साइड हम प्रोवाइड करेंगे, दोनों साइड ऑफ द जो वेव होगा उसके दोनों साइड क्या करेंगे, हम वेल्ड प्रोवाइड करने वाले हैं, देयरफॉर अगेन मल्टीप्लाइड बाय 2। तो सभी तरह हमने क्या करना है, 2 जो डायरेक्टली कॉमन निकाल दिया। नाउ दिस लेंथ विल बी इक्वल टू आपकी टोटल जो है वो 350 है, 350 में से अगर हम ये थिकनेस ऑफ द पर्टिकुलर स्लैंज है वो माइनस कर देंगे, वी विल गेट दिस पर्टिकुलर लेंथ। ओके, ये इंटरनल लेंथ आपको मिल जाएंगे, तो 350 माइनस दोनों साइड से आपको दो प्लेन जो है वो दो प्लेन थिकनेस माइनस करनी है, थिकनेस ऑफ द स्लैंज 11.6, तो देयरफॉर माइनस 2.11.6। तो देयरफॉर द टोटल लेंथ रिक्वायर्ड फॉर अवर पर्टिकुलर सेक्शन, ओके, जो भी हमारा पर्टिकुलर सेक्शन है, टोटल लेंथ ऑफ द वेल्ड रिक्वायर्ड नहीं, टोटल लेंथ ऑफ द वेल्ड विच इज अवेलेबल, यहाँ पे हम कहाँ कहाँ वेल्ड कर सकते हैं, वो टोटल लेंथ अवेलेबल आपकी कितनी है, 1637 mm। ओके, नाउ इसमें से आपको जो भी एंड रिटर्न है वो आपको माइनस करने होंगे, एंड रिटर्न जो है आपको एंड रिटर्न प्रोवाइड करने, सो दैट वो जो लेंथ है आपको वो जो है वो माइनस करने पड़ेंगे। ओके, तो एंड रिटर्न हम कब प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे जो वेल्ड है आपकी, यहाँ पे जो आपकी वेल्ड है उसके लिए यहाँ पर एक एंड रिटर्न, यहाँ पे एक आपका दूसरा एंड रिटर्न। ओके, दिस इज 1, दिस इज 2। अगेन ये जो आपकी वेल्ड है इसके लिए आपको यहाँ पे थर्ड एंड रिटर्न, यहाँ पे आपका और फोर्थ एंड रिटर्न। ओके,
यहाँ पे आपका फिफ्थ एंड रिटर्न और यहाँ पे आपका क्या आ रहा है ना, सिक्स एंड रिटर्न। और ये जो आपके पर्टिकुलर वेव थी उसका जो यहाँ पे जो हम वेल्ड करने वाले हैं इसके लिए क्या आ जाएगा, ये आपका सेवन एंड रिटर्न और अगेन यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा आपका, दिस विल बी योर एट एंड रिटर्न। मीन्स ये एक हिस्से के लिए आपको टोटल एंड रिटर्न फिर भी रिक्वायर्ड इक्वल टू एट एंड रिटर्न आपको लगने वाला है। और फिर यहाँ पे आपका क्या रहेगा, दूसरा एंड रिटर्न आएगा, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 हम करेंगे तो दैट विल गिव अस द टोटल एंड रिटर्न्स एज अ 16। टोटल एंड रिटर्न्स आपको कितने मिल गए, 16। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ द एंड रिटर्न्स से आप रिक्वेस्ट क्या हो जाएगा सर, 16। ओके, और हमारी जो हमने क्या किया यहां पर वेल्थ साइज जो अज्यूम कर दी कि सिस्टम में वेल्थ साइज है, अगेन जो आपकी मिनिमम मैक्सिमम का क्राइटेरिया जो हम प्रीवियसली करते हैं उस तरह से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप सिस्टम में भी अज्यूम कर सकते हैं। ओके, तो यस डिडक्टिंग द एंड रिटर्न्स टोटल लेंथ ऑफ द एंड रिटर्न आपकी आई 192, जो आपका पर्टिकुलर लेंथ हमने आई थी उसमें से माइनस कर देंगे 192, सो दैट वी विल गेट द लेंथ वेल्ड लेंथ। ओके, तो ये जो आपकी 1445 mm है इतनी लेंथ जो इतनी जो आपकी वेल्ड लेंथ है क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर आवर पर्टिकुलर सेक्शन। ओके, दिस इज द अवेलेबल वेल्ड लेंथ। ओके, तो नेक्स्ट इज योर कैलकुलेटिंग द हाउ मच लेंथ इज रिक्वायर्ड फॉर अवर पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है, हमने ये देखिए अभी कितनी एक्चुअल में रिक्वायर्ड है। ओके, तो अगेन वेल्ड स्ट्रेंथ क्या, अगेन वेल्ड स्ट्रेंथ क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज द थ्रोट थिकनेस, थ्रोट थिकनेस। ओके, मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे अपन, fy डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय 1.25 गामा m0। ओके, तो उसका हम कैलकुलेट करेंगे, थ्रोट थिकनेस क्या आएंगे आपकी 0.7 मल्टीप्लाइड बाय सिस्टम इंक्यूवेल्ड है मल्टीप्लाइड बाय fy 410 डिवाइडेड बाय हम करेंगे √3 मल्टीप्लाइड बाय 1.25, दैट विल गिव अस द वेल्ड कैपेसिटी एज 793.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, ये जो क्या आपकी वेल्ड कैपेसिटी आ गई, मतलब वेल्ड जो हमारे सिस्टम का वेल्ड की कैपेसिटी कितनी है, 793.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर mm। ओके, पर mm लेंथ के लिए आपकी लोड कितना ले सकता है, वो 0.794 किलो न्यूटन लोड ले सकता है। तो आपका टोटल लोड डिवाइड बाय द पर mm के लिए कितना लोड ले सकता है, वो लोड दैट विल गिव अस द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द वेल्ड। तो आपको लेंथ कितनी रिक्वायर्ड है, 138.8 mm स्क्वायर, और हमारे पास अवेलेबल कितनी है, 1445 अवेलेबल है आपके पास। तो ऑब्वियसली हम पूरे 1.5 के लिए हम प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारे रिक्वायर्ड लेंथ रिड्यूस है, तो वी कैन से दैट हमारा जो भी बेस प्लेट का डिजाइन है वो प्रॉपरली कनेक्शन हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, जो हमारा कॉलम है उसको हम प्रॉपरली कनेक्ट जो कर सकते हैं बेस प्लेट से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट विल बी योर, ठीक है, फिर हमारा बेस प्लेट का हो गया, बेस प्लेट की साइज होगी, उसकी थिकनेस होगी। ओके, उसका जो पर्टिकुलर बेस प्लेट और कॉलम का जो कनेक्शन था वो भी आपका हो गया। नेक्स्ट इज योर कॉन्क्रीट पेडिस्टल। ओके, नीचे वाला जो हम पेडिस्टल प्रोवाइड करने वाले हैं वो अभी आपको डिजाइन करना है। अगेन इसका क्या करेंगे हम, इसको भी आपका क्या करना है, फर्स्ट एरिया कैलकुलेट करना है आपका, और एरिया विल बी इक्वल टू जो भी आपका लोड होगा, लोड डिवाइडेड बाय जो भी आपकी सॉइल की स्ट्रेंथ होगी, दैट विल बी योर ESBC जो आपकी रहेंगी, दैट इज द सेल्फ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ओके, जो भी आपकी बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल है वो आपकी ESBC रहेंगी। ओके, तो दैट विल बी वो हम डिवाइड कर देंगे। ओके, नाउ हियर जो आपका पी रहता है हम डिजाइन लोड नहीं लेते। ओके भाई, डिजाइन इन द कॉन्क्रीट पेज से हम क्या करते हैं, वट एवर लोड इज गोइंग टू टेक दैट पर्टिकुलर लोड जो रहता है वो हम सर्विस लोड लेते हैं। ओके, वी टेक इट एज अ सर्विस लोड या फिर वर्किंग लोड हम कंसिडर करते हैं, नॉट द फैक्टर लोड और डिजाइन लोड। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर को जो भी हमारा ओरिजिनल क्या था 1100 हमारा लोड था, उसको हम क्या करेंगे, सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। सेफ्टी फैक्टर से हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, सर्विस लोड या फिर वर्किंग लोड ले रहे हैं, तो 1100 और ये हम यहाँ पर वर्किंग लोड से क्यों ले रहे, क्योंकि हम जो कॉन्क्रीट पेज चले वो हम कभी भी वर्किंग लोड से ही डिजाइन कर सकते हैं। तो 1100 डिवाइडेड बाय 1.5 दैट विल गिव अस 734 किलो न्यूटन। ओके, अभी ये जो है आपका लोड हमारा कॉलम से आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो पेडिस्टल है आपका उसका भी आपका लोड होगा, कॉन्क्रीट का हेवी पेडिस्टल रहता है, बेस प्लेट प्रोवाइड किए बेस प्लेट की ज्यादा कुछ लोड नहीं रहेगा, लेकिन कॉन्क्रीट जो होगा वो उसका वेट बहुत ही ज्यादा रहता है। ओके, कॉन्क्रीट है उसकी हम लंबा चौड़ा कॉन्क्रीट का पेडिस्टल प्रोवाइड करने वाले हैं, स्लैब प्रोवाइड करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली उसकी जो वेट होगा वो ज्यादा रहेगा। तो जो हमारा कॉलम का लोड होगा उसके एडिशन में जो आपका सेल्फ वेट ऑफ द जो आपका पेडिस्टल होगा वो भी ऐड होना चाहिए, सो दैट ये जो आपके सॉइल का हम जो लोड ट्रांसफर करें वो इसको मिला के आपका होना चाहिए। देयरफॉर हम क्या करेंगे, हम 10% ऑफ द लोड हम क्या अज्यूम करेंगे, जो भी आपका टोटल लोड है उसका 10% ऑफ द सपोज जो आपका पेडिस्टल का लोड है वो 10% ऑफ द ओरिजिनल लोड, तो इसका 10% आपका कितना आ जाएगा, 73.4 किलो न्यूटन। तो टोटल लोड जो 73.4 प्लस 734 किलो न्यूटन प्लस 73.4 किलो न्यूटन, दैट विल गिव अस द टोटल लोड एज 807 किलो न्यूटन। तो ये जो ये लोड आपको क्या करना है, पेडिस्टल डिवाइड कंसिडर करना है।
द एरिया रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू आपका क्या है, लोड क्या है आपका H04 डिवाइडेड बाय द SBC दैट इज द सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। अब ये 200 ओके, तो ये आपको डायरेक्टली जो न्यूमेरिकल में गिवन थी 200, तो 807.5 डिवाइडेड बाय 200 दैट विल गिव द एरिया रिक्वायर्ड एज अ 4.04 mm स्क्वायर। ओके नाउ ये जो एरिया आपको, ये दिस पर्टिकुलर एरिया हैज टू प्रोवाइड इन द प्रोपोर्शन ऑफ द बेस प्लेट। ओके जिस तरह से बेस प्लेट के डायमेंशन है, ओके सपोज ये 1:2 है, तो उसी प्रकार से आपको जो पेडिस्टल है वो भी आपको उसके जो पर्टिकुलर प्रोपोर्शन होगा वो भी 1:2 ही चाहिए। ओके इस तरह से आपको प्रोवाइड करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो भी बेस, क्योंकि हमको क्या करना है चारों तरफ जो आपका पर्टिकुलर जो प्रोजेक्शन होगा वो आपका सेम रहेगा, इससे आपको प्रोजेक्शन जो है वो सेम, जो आपका पर्टिकुलर रेशियो है वो आपको सेम करना है। ओके तो ये एस्पेक्ट रेशियो ऑफ आवर पर्टिकुलर जो मैं हमारा बेस प्लेट थी उसकी क्या थी 450 की लेंथ थी और डिवाइडेड बाय आपकी विड्थ क्या थी 350। तो इससे आपको क्या मिल जाता है, एस्पेक्ट रेशियो ऑफ आवर पर्टिकुलर जो उसकी बेस प्लेट थी उसका एस्पेक्ट रेशियो 1.286 था, और इससे एस्पेक्ट रेशियो में क्या चाहिए आपका जो भी हमारी कॉन्क्रीट है उसका भी एस्पेक्ट रेशियो वही चाहिए। ओके तो वी नो दैट एरिया जो आपका एरिया विल बी इक्वल टू 4.04। ओके एरिया रिक्वायर क्या आपका 4.04, और एरिया की क्या रहता है आपका लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ शुड बी इक्वल टू 4.04। ओके और ये जो है आपका अगेन दिस रेशियो, ये जो रेशियो आपका ये क्या रेशियो है एल बाय बी रेशियो है। ओके तो लेंथ बाय बी रेशियो आपका कितना आना चाहिए, दिस पर्टिकुलर रेशियो शुड बी इक्वल टू 1.286, तो इट विल बी इक्वल टू 1.286। ओके तो देयरफॉर लेंथ क्या आ जाएंगे आपके, लेंथ विल बी इक्वल टू 1.286 बी। ओके तो ये इसी को हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला इनपुट करेंगे, तो वो क्या फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा 1.286 बी मल्टीप्लाइड बाय, अब क्या करेंगे फिर से बी से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल इक्वल टू 4.04। ओके तो ये क्या होगा आपका 1.286 बी स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू 4.04। तो इससे अगर हम बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अगर इसको सॉल्व करके, तो बी की वैल्यू आप क्या 1.8 मीटर, और अगेन फुल से इनपुट प्रॉपर नहीं करेंगे तो लेंथ आपको मिल जाता है 2.3 मीटर। ओके तो 1.8 मीटर शुड बी द ब्रेथ ऑफ आवर पर्टिकुलर कॉन्क्रीट ब्रेसल एंड लेंथ शुड बी इक्वल टू 2.3 mm। ओके तो इस प्रकार से अगर हम सॉल्व कर लेंगे वी गेट द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ आवर कॉन्क्रीट ब्रेसल। ओके ठीक है कॉन्क्रीट ब्रेसल क्या होगी आपको लेंथ और ब्रेथ जो है वो आपको दोनों मिल गए। ओके देयरफॉर वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द कॉन्क्रीट ब्रेसल ऑफ द 2.3 मीटर कॉन्क्रीट ब्रेसल ऑफ द 3.3 लेंथ है उसकी और हाइट है आपकी 1.8 मीटर। नाउ थिकनेस ओके अभी हम क्या करते हैं जो भी हमारा कॉन्क्रीट ब्रेसल होगा, ओके सपोज दिस इज योर कॉन्क्रीट ब्रेसल, ओके दिस इज योर कॉन्क्रीट ब्रेसल। ओके और यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे क्या हमारे बेस प्लेट जो है वो हमने प्रोवाइड की है। ओके दिस इज द बेस प्लेट। ओके नाउ हम यहाँ पे क्या अज्यूम करते हैं, हियर व्हाट वी अज्यूम, जो भी हमारा यहाँ पर फेलियर या फिर जो भी क्रैकिंग हुआ दैट विल बी इन द 45 डिग्री। तो यहाँ से अगर हमारा लोड ट्रांसफर होगा दिस विल बी योर 45 डिग्री। ओके ये जो आपका रहेगा यहाँ पे आपका जो एंगल रहेगा दिस पर्टिकुलर एंगल जो रहेगा दिस विल बी इक्वल टू 45 डिग्री ऐसा हम एज्यूम करते हैं व्हाइल डिजाइनिंग द पर्टिकुलर कॉलम। जो भी हमारा बेस है वो अब क्या करते हैं यहाँ पे क्या होगा आपका 45 डिग्री जो है वो हम डिजाइन करते हैं। ओके तो ऑब्वियसली वी हैव टू फाइंड, नाउ वी हैव टू फाइंड द थिकनेस ऑफ द पर्टिकुलर, ये थिकनेस कितनी है वो आपको फाइंड आउट करनी है। ओके नाउ हमारे जो बेस प्लेट है वो आपको पता है कि दिस इज द बेस प्लेट जो है आपकी वो इस प्रकार से हमने प्रोवाइड की गई है, और उसके नीचे आपका जो पर्टिकुलर कॉन्क्रीट है उसका भी आपको डायमेंशन जो है पेडिस्टल का पता है। तो डायमेंशन ऑफ द पेडिस्टल आपका कितना है, दिस पर्टिकुलर पेडिस्टल क्या है आपका दिस इज ऑफ द 2.3 मीटर, और ये क्या है आपका दिस इज 0.45। ओके या फिर 2300 डिवाइडेड बाय ये जो आपका 450 है। तो नाउ ये जो थिकनेस है दिस थिकनेस विल बी इक्वल टू दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके ये जो आपका बेस प्लेट से यहाँ तक जो आपका डायमेंशन है इसको हम ए अज्यूम करते थे, दिस ए विल बी इक्वल टू द थिकनेस ऑफ आवर पर्टिकुलर कॉन्क्रीट पेडिस्टल। ओके तो देयरफॉर हम क्या करेंगे ये थिकनेस आपको फाइंड आउट करनी है, तो ये जो आपका डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ऑब्वियसली 2300 डिवाइडेड माइनस 450, और डिवाइडेड बाय दोनों साइड का करना है देयरफॉर डिवाइड बाय कर ये अगर 2300 से 450 माइनस करेंगे तो आपको ये दोनों की लेंथ मिल जाएंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको ये सिंगल की जो है वो लेंथ मिल जाएंगे। तो 2300 माइनस 4500 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल गिव अस द थिकनेस ऑफ द पेडिस्टल एज अ 9255 mm। ओके इससे आपको क्या मिलेगी थिकनेस ऑफ द पेडिस्टल 9 to 5 mm मिल गई। ओके रिमेंबर दैट यहां पर 45 डिग्री आ गया है देयरफॉर दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू दिस पर्टिकुलर हाइट, डिपेंडिंग अपॉन दैट जो आपका थिकनेस ऑफ द पेडिस्टल है वो आपका डिफाइन होता है। ओके
So again, we are calculated the length, breadth as well as the thickness of the pages cut. Okay, and as I said, हम क्या करेंगे? Four number of the 20 mm diameter के 300 mm long से हम क्या करेंगे? Anchor bolt जो हम provide करने वाले हैं. Okay. So this is the design of our bolt. इस तरह से आपका क्या होता है? Design of the pages का क्या होता है? वो खत्म होता है. Okay. Now this was for the first case where the welding was provided. जहाँ पे हमने welding provide की, वहाँ पे हमने इस प्रकार से provide किया. Now for ठीक है, इस प्रकार से हमने प्रोवाइड किया. ओके, जो तो आपकी बेस प्लेट है उसकी 2300, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपको डायग्राम निकालनी है हर पर्टिकुलर इसका, आपको फाइनल डिजाइन की डायग्राम निकालनी है. तो 2300 जो आपकी विड्थ ऑफ द पेंसिल है 1.8 मीटर. ओके, जो आपका बेस जो आपकी बेस प्लेट है उसकी 4500 और आपकी ये जो है 350. ओके, एंगल सेक्शन आपका और वहाँ पे हमने क्या किया है, चारों तरफ क्या है, वेल्ड प्रोवाइड कर सिस्टम का. ओके, तो ये जो आपका इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपको ड्रॉप करनी है. ओके, नेक्स्ट इज यूर बोल्टेड कनेक्शन. हमने प्रीवियस किया वेल्डेड कनेक्शन के लिए, अभी हम देखेंगे फॉर द बोल्टेड कनेक्शन. ओके, तो अगेन इन केस ऑफ द बोल्टेड कनेक्शन हम जो साइज है वो इस तरह से प्रोवाइड करेंगे कि जो हमारे स्लिट एंगल से जो हम एंगल प्रोवाइड करने वाले हैं वो प्रॉपरली फिट हो. ओके, जो भी हमारा एंगल हम प्रोवाइड करने वाले हैं वो प्रॉपरली फिट हो. तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर इस तरह से हम बेस प्लेट प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे हमारा एक कॉलम है, तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर जो हमारा प्रोजेक्शन है, दिस प्रोजेक्शन शुड बी इनफ टू प्लेस दिस पर्टिकुलर स्लिट प्लेट. ओके, ये जो हमारा एंगल हम प्रोवाइड करने वाले हैं, ये प्लेस करने के लिए आपका जो पर्टिकुलर, ये जो आपका पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा वो इनफ होना चाहिए. देयरफॉर जो भी हमारे बेस प्लेट है उसके हम डिजाइन कैसे करेंगे, इट विल बी जो हमारे बेस प्लेट की जो आपके पोजिशन है वो दैट विल बी डिपेंड अपॉन द जो भी हमारा स्लिट एंगल है उसके डायमेंशन से. तो कंसिडरिंग द स्लिट एंगल्स ऑफ ISA 100x100x10 mm और वेब स्लिट जो आपकी जो फ्लैंज है वहाँ पर हम जो स्लिट एंगल प्रोवाइड करने वाले हैं वो आपका ISA आपको ये पर्टिकुलर ब्रेस प्लेट की जो पर्टिकुलर प्रोजेक्शन है वो आपको डिफाइन करना है. तो हम यहाँ पे एंगल किसका प्रोवाइड करें, 100x100 का. तो दिस पर्टिकुलर जो एंगल है आपका वो 100x100 का है, तो उसको थोड़ा सा 25 mm का एक्स्ट्रा हम दे देंगे, तो दैट वी विल गेट दिस पर्टिकुलर पोजीशन जो आपका वो पोजीशन आपको मिल जाता है 125. ओके, ओरिजिनल एंगल इज 100 प्लस यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्वियसली डायरेक्टली हम कट टू कट नहीं करते, उसका थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पोजीशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा. देयरफॉर वी आर गोइंग टू प्रोवाइड हियर द एक्स्ट्रा पोजीशन ऑफ द 25 mm, दैट विल बी इक्वल टू 100 mm इज योर लेंथ ऑफ द जो भी हमारा एंगल है, दैट इज द एंगल की जो लेग है उसकी जो आपकी बेस है, दैट विल बी इक्वल टू 100 mm. So that particular length plus 25 mm projection, that will give us the 125 mm as the projection of the base plate on the all side. Okay, so again providing the that particular projection on the all side. Okay, whatever our I section was, I section का आपका depth था, the depth of the I section was 350. Okay, so यहाँ पे आपका projection आ जाएगा 125. Again on this particular side the projection is 125. On this particular side the projection is 125. So 350 plus 125 plus 125. Length of the जो आपकी base plate होगी उसकी length क्या आ गया आपके, that length will be equal to 600 mm. Similarly, this was your 250. Okay, आपका जो I section है उसकी जो आपकी flange है उसकी width से आपकी 250. Okay, again on the both side we are providing the projection of the 125 mm. Even here we are providing the projection of the 125 mm. That will give us the 250 plus 125 plus 125. That will give us the base plate width as a 500 mm. Okay, so this is how we are calculated the base plate. जो आपकी उसकी size आपको मिल गई. The size is 600 mm multiplied by 500 mm. Okay, next is your similarly next we are going to calculate the thickness of the base plate. Okay, so again thickness of the base plate के लिए आपके पास directly formula है. Okay, जो हमने previously जो हमने प्रीवियसली किया था वही आपको थिकनेस ऑफ द जो हमने बेस प्लेट की प्रोवाइड की थी वो थिकनेस तो अभी आपकी चेंज नहीं होने वाले क्योंकि वहाँ पे सभी डायमेंशन वगैरह सभी सेम है आपके. तो वी कैन से दैट जो आपकी प्रीवियस थिकनेस थी वही थिकनेस जो है वो कंसिडर कर सकते हो. ओके, सिर्फ आपको यहाँ पर क्या है जो बेस प्लेट का एरिया है वो आपको चेंज करना है क्योंकि थिकनेस ऑफ द बेस प्लेट जो आपको प्रीवियस तरीके से स्टोर हो जाएगी. नेक्स्ट इज योर जो भी हमारा कनेक्शन होगा ऑफ द बेस प्लेट, जो भी आपकी बेस प्लेट होंगी उसको आपको कनेक्ट करना है विद द आवर पर्टिकुलर कॉलम. ओके, नाउ हियर वी आर प्रोवाइडिंग द एंगल सेक्शन. ओके, तो एंगल सेक्शन जो हम प्रोवाइड करने वाले हैं यहाँ पे क्या करना है आपको, हियर वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द बोल्ट. ओके, आपको बोल्ट जो है वो प्रोवाइड करना है. नाउ अगेन जो आपके हम क्या करेंगे, अर्जुन करेंगे M20 बोल्ट ऑफ द 4.6 ग्रेड. अगेन उसका VD भी
BDS भी कैलकुलेट करेंगे, BDP भी शेयर्स का कैलकुलेट करेंगे, बिलिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे, उसका हम बोल्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके सो हियर द बोल्ट वैल्यू हमारी आती है 70 किलो न्यूटन। ओके नाउ हियर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बोल्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टेक द लोड डिवाइडेड बाय द व्हाटएवर आवर बोल्ट वैल्यू इज देयर। ओके नाउ हियर वी आर गोइंग टू कंसीडर दैट ओनली द 20% ऑफ द फैक्टर लोड इज जो भी हमारा पर्टिकुलर बोल्ट है उसको डिजाइन करने के लिए वी हैव टू टेक द 20% ऑफ द फैक्टर लोड। ओके जो भी हमारा पर्टिकुलर सेक्शन होगा उसका 25%। तो सपोज हमारा 100 किलो न्यूटन जो टोटल लोड है उससे 25 किलो न्यूटन विल बी फॉर दैट पर्टिकुलर 25 किलो न्यूटन वी हैव टू डिजाइन द नंबर कनेक्शन। ओके सो यस वी आर कंसीडर जो हमारा पी है वी आर गोइंग टू कंसीडर पी एज अ जो भी आपका पी होगा हम कंसीडर करेंगे 25% ऑफ द पर्टिकुलर जो भी हमारा ओरिजिनल लोड होगा। ओरिजिनल लोड था ओवर 1100 तो 1100 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 परसेंटेज में हमको कन्वर्ट किया 25% है आपका मल्टीप्लाइड बाय 0.25 डिवाइडेड बाय बोल्ट वैल्यू जो आपकी है बोल्ट वैल्यू आपकी 70 तो दैट विल गिव अस द नंबर ऑफ द बोल्ट रिक्वायर्ड फॉर बोल्ट। तो जो भी आपके एंगल सेक्शन जो भी हम स्प्लिट एंगल प्रोवाइड करेंगे वेब एंगल प्रोवाइड करेंगे वहां पे हम क्या करेंगे नंबर ऑफ द बोल्ट विल बी 4 चार नंबर ऑफ द बोल्ट हम क्या करेंगे कनेक्शन इन द बेस प्लेट एंड द हमारा कॉलम सेक्शन में उनमें क्या करेंगे हम कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ओके नाउ वी विल आल्सो हैव टू कैलकुलेट द एज डिस्टेंस एंड द स्पेसिंग। ओके एज डिस्टेंस जो आपको कैलकुलेट करना है जो आपकी स्पीड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस जो आपको कैलकुलेट करना है। ओके नाउ द मिनिमम एज डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 24। ओके यहाँ पे आपको रिमूव रखना है जनरली हम क्या लिख सकते हैं 1.5 मल्टीप्लाइड बाय D0 लेकिन एज पर द आइस क्लॉज ओके इट शुड बी इक्वल टू 1.7 D0 फॉर दिस पर्टिकुलर स्लैब बेस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1.7 मल्टीप्लाइड बाय D0 वो आता है आपका 40 m। ओके तो जो हमारा पर्टिकुलर सेक्शन होगा वहाँ पे मिनिमम आपका कौन सा थिकनेस है ओके ये जो आपका एंगल सेक्शन है सॉरी ये जो आपका आई सेक्शन है ओके ये लेंथ तो आपकी बहुत ज्यादा है क्योंकि ये टोटल आपका 350 मतलब समथिंग ये कम आएगा लेकिन दिस इज योर मिनिमम थिकनेस इज योर 250। ओके तो यहाँ पे आपको कंसीडर करना है कि ये 250 में जो हमारा पीस डिस्टेंस हो जो 4 नंबर ऑफ द बोल्ट है वो विद द प्रॉपर पीस डिस्टेंस जो वो सेट होने वाला है या नहीं ये आपको चेक करना है। ओके देयरफॉर ये जो हमारा ये टोटल 250 हमने यहाँ पर पर्टिकुलर ये जो आपका आई सेक्शन है इस तरह से आपका आई सेक्शन है ओके इस तरह से आपका आई सेक्शन है ओके डिस्प्लोन 250 और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर हम एंगल जो है वो प्रोवाइड करने वाले हैं। हियर वी आर गोइंग टू प्रोवाइड अ स्लिट एंगल इस तरह से हम क्या करेंगे स्लिट एंगल जो है वो प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके स्प्लिट एंगल के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको क्या करना है 1 2 4 इस तरह से आपको क्या करना है 4 नंबर ऑफ द बोल्ट जो आपको प्रोवाइड करना है यहाँ पे भी आपको 4 नंबर ऑफ द बोल्ट जो है वो प्रोवाइड करना है। तो इसका जो एज डिस्टेंस होगा दिस पर्टिकुलर एज डिस्टेंस में भी इक्वल्स हमने अभी कंसीडर किया एज डिस्टेंस इक्वल्स टू 40 mm यहाँ पे भी एज डिस्टेंस है आपका 40 mm। ओके नाउ टोटल डिस्टेंस जो 250 टोटल डिस्टेंस आपका 250 है तो 250 में से हम 40 माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाय आपको करना है 3। ओके क्योंकि हमको डिवाइडेड बाय जो भी आपका डिस्टेंस होगा वो कितने हिस्सों में बटेगा ये एक हिस्सा ये आपका दूसरा हिस्सा और ये आपका तीसरा हिस्सा तो 250 में से जो माइनस करेंगे 40 माइनस 40 जो रिमेनिंग लेंथ होंगे आपको उसको हमको डिवाइड करना है इन द 3 पार्ट। ओके तो 250 माइनस दोनों साइड का 40 40 से माइनस किया 2 × 4 = 0 डिवाइडेड बाय द 3 पार्ट से हमने क्या किया डिवाइडेड बाय 3। ओके 3 नंबर है दैट विल गिव अस द पोजीशन और द स्पेसिंग इन द 2 जो हमारे पर्टिकुलर बोल्ट है उसमें स्पेसिंग कितनी आ गई आपकी 56 mm एज पर आवर पर्टिकुलर सेक्शन और रिक्वायर्ड स्पेसिंग विल बी इक्वल्स टू जो आपका पीस डिस्टेंस होगा वो आपका मिनिमम कितना रहता है 2.5 × d तो 2.5 × d आपका क्या आता है 55 mm। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितना अवेलेबल है 56 तो दैट इज ग्रेटर देन आवर पर्टिकुलर रिक्वायर्ड 55 तो वी कैन से दैट जो नंबर ऑफ बोल्ट चार नंबर ऑफ बोल्ट है वो हम प्रॉपरली प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके तो प्रॉपरली जो हम वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके दिस इज हाउ द अगेन जो पर्टिकुलर सेक्शन है इस तरह से हम प्रोवाइड जो है वो कर सकते हैं। ओके अगेन यहाँ पे जो आपका कॉन्क्रीट पेजिस्टल है उसका हमको चेंजेस नहीं होने वाला है। ओके क्योंकि वो जो हमारा पर्टिकुलर कॉन्क्रीट पेजिस्टल था वो हमने अगेन जो हमारा बेस प्लेट है और उसकी जो लेंथ बाय ब्रेथ से हमने रेशियो से कैलकुलेट किया था तो अगेन यहाँ पे आपका रेशियो जो है वो सेम आने वाला है। तो यहाँ पे कॉन्क्रीट पेजिस्टल की जो लेंथ और ब्रेथ थी या फिर थिकनेस थी वो आपकी सेम रहने वाली है। ओके फॉर द बोल्टेड कनेक्शन क्योंकि उसका डिजाइन जो प्रीवियस डिजाइन था वही आपका यहाँ पर सेम रहने वाला है। ओके तो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ द हम इस तरह से प्रोवाइड करेंगे। ओके द स्लिट एंगल्स आर प्रोवाइडेड विद द 4 नंबर ऑफ द बोल्ट। ओके जो आपके यहाँ पे जो है यहाँ पे हम 4 बोल्ट प्रोवाइड करेंगे एज वेल एज इन दोनों का कनेक्शन के लिए करेंगे 4 नंबर ऑफ द बोल्ट विल बी प्रोवाइडेड। ओके दिस इज हाउ द जो भी हमारा पर्टिकुलर सेक्शन है वो इस तरह से आपका पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो डिजाइन किया जाएगा। ओके